जब आप यूहन्ना उसके 19 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि जो प्रधान याजक और प्यादे थे वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर चिल्ला उठे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और जो पिलातुस था उसने कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम खुद ले जाकर इसे क्रूस पर चढ़ाओ क्योंकि मैंने इसे निर्दोष पाया है। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप, कोई अपराध उन्होंने नहीं किया, फिर भी बाइबल कहती है कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। उसी तरह मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, जब आप सही कर्म करते हैं, जब आप मसीहत को फॉलो करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, कई बार आपके सही फैसले के कारण भी, आपके अच्छे कर्म को करने के कारण भी लोग आपसे नफरत करते हैं, वो आपको गलत समझते हैं और वो आपका विरोध करते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको निराश नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना, बल्कि आपको परमेश्वर के वचनों को थाम कर रखना है, उसे फॉलो करना है, परमेश्वर से पीछे नहीं हटना, आपको पवित्रताई को थामे रहना है, आपको धार्मिकता को थामे रहना है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। अगर आज आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है और आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का DNA। गॉड ब्लेस यू।